छः दिन गिलगित बल्तिस्तान घूमने के बाद मैंने समझा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, हसीन तरीन वादियाँ देख ली हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जन्नत का टुकड़ा आखिर में मेरे लिए बचा होगा, वो है सिरीपाय। मेरे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय 29th व्लॉग ऑफ माय सफ़रनामा टू गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। यह है मेरा आखिरी व्लॉग, यह है मेरा 29th व्लॉग। अगर मैं चाहता तो 5-6 व्लॉग्स और बना सकता था, लेकिन ज़्यादा हो जाता। आई एम गोइंग टू पाकिस्तान एंड वी हैव फाइनली अराइव्ड इन सिरीपाय। जी हाँ, ये एक जन्नत का टुकड़ा जो छुपा हुआ है। ज़्यादातर लोग नारान कागान चले जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो हम पहुँच गए हैं। मैं भी आपके साथ एग्जैक्टली सेम व्यू देखूँगा पहली दफ़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो रोड से नंडिया अच्छा सर घोड़ो पे आगे पाई के मेन पॉइंट तक। अगर ये मेन पॉइंट नहीं है, नहीं ये गाड़ी जाती थी यहाँ से, बंद की हुई है गाड़ियाँ, ये आगे पॉइंट तक जाती थी। नहीं, कहाँ जाती है घोड़ा, कहाँ जाता है घोड़ा? आगे पाई के मेन जो पॉइंट है पहले वहाँ तक जाती थी गाड़ी, अभी गाड़ियाँ बंद है वहाँ से, यहाँ से आगे घोड़े भी जाते हैं। नहीं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं घोड़े बताए ना? घोड़े सर ये पाई का जो मेन पॉइंट है, विंडो 7 के वाल वो है, वो है। नहीं, ये कारोबार की जगह है, इससे 2 गुना आगे है, 1.5 किलोमीटर फासले है। तुसी मेरे खर्चे करवाओ और नहीं असी तुसो असा तुसो को एक गल दसते हैं, अगर पैदल चल सकते हो तुसी पैदल भी जा सकते हैं बंदा, ये नहीं। अच्छा बताओ कितना है, कितना है ये घोड़े पे? एक ही बात करेंगे, आना जाना जो है 500 रुपया लेंगे पर बंदा, आना जाना जी, वहाँ जाके लाइन में उतारेंगे, स्टे होगी, फिर वापस बिठा कर सीधे इधर छोड़ेंगे जीप के पास। तो ये मैं यहाँ पे तो देखूँ यार थोड़ा सा, सही है, देखें यहाँ देखें, फिर आगे का अगर मूड हो तो आगे भी ले जाएंगे। अगर आपने आगे जाना है जहाँ भी जीप नहीं जा सकती, यू कैन ऑलवेज टेक अ हॉर्स राइड। देखिए घोड़े आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं, ये आ रहा हूँ। अच्छा पहले ऊपर जीपा जादिया सन, किस बार कर छोड़े यार प्लेन एरिया सा। अच्छा वो जो ऊपर टेंट लगाई हुई उन्होंने, वो ऊपर टेंट लगी हुई है ना तंबू, उसने पैसे लगने जो है ना, इसमें रात को जो बंदा रहता है तो किराए पे देते हैं। कितने के? 1500 1200। ये अपनी टेंट लेकर आनी पड़ती है यहाँ से? टेंट अपनी लेकर आए तो उसका तो कोई किराया नहीं होता ना,
नहीं तो अगर अपनी टेंट लेकर आए तो यहाँ पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं बिल्कुल, इजाजत नहीं चाहिए? नहीं नहीं कोई इजाजत नहीं है, लगा के रह सकते हैं भाई साहब। बड़ी बात है भाई, दैट इज इंटरेस्टिंग। वो जो ऊपर पे चोटी पे वो टेंट्स लगे हुए हैं, ये जनाब से आपका नाम क्या है? फरजुमान जी। फरजुमान, फरजुमान ये कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे आप रात गुजार सकते हैं, 1,500 रुपये किराया टेंट का, लेकिन अगर आप अपनी टेंट लेकर आए इट्स फॉर फ्री। और फेरी मेडर्स में ऐसे नहीं था, वहाँ पे 1,000 रुपया किराया था, पता है आपको? यहाँ पे किराया नहीं है। सो वाओ दैट इज अमेजिंग। सो गाइस ब्रिंग योर ओन टेंट, वहाँ पे तंबू लगाएं और इंजॉय करें। चल भाई चल, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आई एम स्पीचलेस। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या हाल है भाई? मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई तुम्हें देख लिया है? मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा आगे से ट्रैफिक आ रही है भाई। अच्छा चल 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 निकल निकल। इस जगह का क्या नाम है ऊपर? ये पाया है ना सर। हाँ पाए का। अच्छा मेन व्यू वाली जगह है। मेन व्यू, ये महकमा मौसमियात का वेदर स्टेशन है। सो जितनी ये इसमें जो बर्फ पड़ती है जो भी है ना वो बताते हैं। जी जी बिल्कुल, ये इसके नीचे मशीन रखी हुई है, ये चादर के नीचे। हाँ। जब चादर के ऊपर बर्फ पड़ती है तो बर्फ का वेट मालूम हो जाता है कि इतनी फुट बर्फ पड़ी। अच्छा अच्छा क्या बात है यार। ना भाई आराम आराम से आराम से। हाँ और निकल गया। हिंद को और पटवारी बहुत मिलती जुलती है यार, इसलिए मुझे सब कुछ समझ आता है। वो देखे सामने, वो देखे सीनरी यार। पहले सच पूछे तो मैंने सोचा था कि ओ कितनी तेजी से जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि आई हैव हैड इनफ हॉर्स राइड, लेकिन यहाँ पे आके भी ओ वो देखिए सीढ़ी देखिए यार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, कहाँ से आप? सक्कर से। हैव अ नाइस राइड, बचा के। मुझे ये इसलिए ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी है, है ना? ये ट्रैक है गाड़ी जा। जी जी अच्छा यार गाड़ी नहीं जाती अब। थोड़ा साइड में। अच्छा आजा बस ठीक है ठीक है, अभी खड़े हो जाइए जोड़े। वो देखिए बादल नीचे हैं, वो जो लोग वहां पे खड़े हुए हैं ना उस टॉप पे, बादल उसके नीचे हैं यार। क्या बात है, दिस लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड। पहली दफ़ा मैंने मैं यही सीन देखना चाहता था जो मैंने किताबों में देखा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एंड फाइनली आई डिड फाइंड इट। नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं थोड़ा बहुत। हाँ और आ रहे थे। आसी आसी तो सीधे रहो तो ताकि पीछे बनाए थे। जी जी और
अभी घोड़ा पानी पिएगा, पानी पिएगा घोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इसीलिए इस तरफ आ रहा था। अच्छा अच्छा चलो जी। Guys, sights and sounds of Pakistan. बैठो आगे चढ़ाई है। वो देखे सुभान अल्लाह, वो देखे दूसरी तरफ यार। ऊपर जाके घोड़े को घुमाइएगा थोड़ा सा, ऊपर जाके ऊपर जाओ, पहले ऊपर जाओ ना, फिर सज्जे पास घुमाए घोड़े की। वो देखिए जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है उस तरफ। थोड़ी और घुमाओ, Nanga Parbat was yesterday the most beautiful view in the world that I had seen, but this tops the view of Nanga Parbat. Assalamu alaikum. यार व्यूअर्स, नहीं खलता रहो खलता रहो, सिर्फ इंटरव्यू दे। ये मैं इंटरव्यू दूं? नहीं मैं तू चुप रहो। अच्छा यहाँ पे ये तो हर तरफ बादल ही बादल हो गए यार। ओ माय गॉड, देखे बहुत दिल कर रहा मेरे ऊपर जाने का, वहां पे शिंगरी टॉप जी, बहुत खतरनाक भी लग रहा है मुझे। नहीं खतरनाक तो नहीं है सर, बिल्कुल प्लान रास्ता है। वो दिखाएं वो जगह, वो बादलों के बीच में बादल तो खैर हर जगह है, दिखाएं इनको जरा। जब मैं आया था सिर्फ इस तरफ थे, अब ये देखे मेरे चारों तरफ बादल, सो आई एम वॉकिंग इन द क्लाउड्स। ठीक है जी, कुछ समझ आई है? सही, कोई गलत तो नहीं किया मैं है? वो देखिए वो आपको टॉप ऑफ द शिंगरी टॉप आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहां जाने का मेरा दिल कर रहा है। 1500 rupees इज नॉट मच, 25 मिनट लगेंगे ऊपर जाने तक, जाऊं या नहीं जाऊं? जाएं, जरूर जाएं सर, जरूर जाएं। जाएं जी। अच्छा आपको लेके मैं अपने घोड़े पे जाऊंगा। तो तेरे को मेरे डर लगता है। ठीक जमाल खून खतरनाक हो। नहीं नहीं भाई कुछ भी डेंजरस नहीं है। अच्छा चलो जी दोस्तों, मैं ऊपर जा रहा हूँ। फिल्म बनाना चाहते हैं, फोटो नीचे बटन होती है, फोटो नहीं है ना बटन, फोटो वाला बना रहे हैं सर, फोटो भी बन रही है, पिक्चर भी बन रही है। यार अब मैं सर ये वीडियो सही बन रही है, झूम रहा हूँ, और ये मेरा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? नेम भाई जी, क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्लाह पाक का। शिदादे आप वहाँ जाएं, चलते हुए फिल्म मत बनाए, फिर वो हिलेगी काफी ना। सर नहीं हिलेगी, आपको मैं दिखाऊंगा ये। अच्छा जी चले, मैं नेम भाई की फिल्म बना रहा हूँ, वो मेरी बना रहे हैं। एक चाचू है, एक ये आपके चाचू है? ओहो चाचू नहीं है, वैसे रिश्ते में है मेरे चाचू की। अच्छा अच्छा तो और जी काशी तो टाइम काफी हो। मजा ओ सर मजा आ गया, थक गया हूँ मैं भाई। आप तो यहाँ पे पले बड़े हैं भाई, ज्यादा नहीं कर सकता यार। तो कुछ नहीं आ रहा भाई, कितने जा सो मैं, कितने खर्च हो गए। ओ माय गॉड,
नहीं क्यों डरा रहे हो? सर इस कैमरे में बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा जी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे जाएंगे सीधे सीधे जाएंगे। आप उसको कोई मसला नहीं करें, यहाँ से थोड़ा नीचे देख ले। आशी टॉवर कोड को किला आप आए, यहाँ पे आए, अपने बच्चों को लेकर आए। बिलीव मी इट्स हेवन ऑन अर्थ, जन्नत का टुकड़ा। नहीं गलत बोले मैं? सही बोल रहे सर। गलत बोला तो मुझे बताना यार। जन्नत का टुकड़ा भाई, इतने अच्छे इतने प्यारे लोग, नईम जैसे हैं और क्या। Pakistan, don't forget to subscribe my channel. देखे बादलों में, हर तरफ बादल, चारों तरफ बादल। I'm lost in the clouds. Subhanallah. वाह अल्लाह तेरी कुदरत। ये रोड ठीक हो जाए तो और ज्यादा लोग आएंगे। आएंगे इंशाल्लाह। आप आए, यहाँ पे आए, अपने बच्चों को लेकर आए। बिलीव मी इट्स हेवन ऑन अर्थ, जन्नत का टुकड़ा। नहीं गलत बोले मैं? सही बोल रहे हैं सर, सही। गलत बोला तो मुझे बताना यार। और उसके जल गया से किवारी टोरा में आई, किवारी टोरा है ना। हां अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मासी जी? ठीक हो? लस्सी? जी। मजाक कर रहे हो? ना मजाक नहीं करते यार। तो लस्सी पी सारा मैं। ओ वाह यार, असास्ते भी आने नमक बाग है। नमक कौन सी बात आनी हो मासी? आ क्या रही लस्सी पी सा? मैं तो यार ये तो इस तो अच्छी गल क्या हो सकनी है? तुसा मेरे को लस्सी नहीं पूछे, मासी ने पूछे यार। मासी दा इथे घर है। ओ मासी ने घर? ओ क्या बताऊं, मैं ऊपर आ रहा था तो वेरी नाइस लेडी माशाल्लाह। क्या नाम है नाना? ये ना नाना सीधा कैमरा सीधा रखो, मैं तो कैमरा मैन बना छोड़ सा। अच्छा उन्होंने कहा है कि लस्सी पीसो, दैट मींस कि आपने लस्सी पीनी है। मैंने कहा यार एम आई ड्रीमिंग, ये कैसे हो सकता है? कि ये तो मेरी ख्वाब थी कि अभी समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, कि आई शुड मिंगल विद द लोकल पीपल। तो यार मैं इनकार कैसे कर सकता? उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से कहा तो और मैं क्या कहूँ यार। इन्होंने इस घोड़े में मेरे बनाया। पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना घोड़े। इस घोड़े पे आप आए हैं ऊपर? इस घोड़े पे और नीचे भी जाना है इसी घोड़े पे? नहीं वापसी पे तो मैं बैठूंगा। फिर तो मैं यहीं पे रहूंगा। क्या नमक को ले बोना पाओ मर गई वो ब्लड प्रेशर।
लस्सी का गिलास प्योर लस्सी चार हजार मीटर की ऊंचाई पर प्योर लस्सी। वो मासी है, उन्होंने मुझे दी है प्योर लस्सी। मसला नहीं है। फिर मैं क्या दें जद जुलदो हैं तो 1.5 लीटर वाली बोतल खरसा 2-3 एक ठीक है ना। अगले दिहाड़ी में को देसी में तैयार कर और नमक वो पास्टर जी और डोले ना बड़ा बेहतरीन है। ये कंफर्टेबल लस्सी है भाई, वो मजे नहीं है बहुत मजे। क्या बात है, ये कितनी ऊंचाई है? 10,000।